F is for fun. F is for futuristic. And F is for fabulous. आज ऑनलाइन कम्युनिटी में इस अल्फाबेट F को लेकर काफी चर्चा है, पर आपको मालूम है कि ये F है क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं केशव खेरा और ये स्पेशल F कुछ और नहीं बल्कि सैमसंग की नई गैलेक्सी F सीरीज है, जिसे हाल ही में भारतीय बाजार में उतारा गया है। और सैमसंग गैलेक्सी F41 इस सीरीज में पहला स्मार्टफोन है जिसकी काफी चर्चा है। और आप सब जानते हैं कि किसी भी टेक ट्रेंड या नए फोन की बात आती है तो मैं सबसे पहले यूजर्स के ओपिनियन लेता हूं, और इस बार भी मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूं। मैं सैमसंग गैलेक्सी F41 को लेकर यूजर से बातें करूंगा और उनकी राय जानूंगा। पर इस बार कहानी ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन अनफोल्ड होगी मेरे दोस्त। पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ मैं बाहर निकलूंगा और लोगों से सैमसंग गैलेक्सी F41 को लेकर बातें करूंगा और उनकी राय जानूंगा। तो चलिए इन बातों के सिलसिले को शुरू किया जाए। मैं बाहर आ चुका हूं और यहां क्राउड भी काफी अच्छा है, तो चलिए लोगों से अब सैमसंग गैलेक्सी F41 को लेकर उनकी राय जान लेते हैं। हाय, क्या नाम आपका? हिमांक। हिमांक, आप 15,000 से 20,000 रुपए के सेगमेंट में, जो मिड सेगमेंट होता है, उस सेगमेंट में किस टाइप का स्मार्टफोन एक्सपेक्ट करते हैं? इफ आई आस्क फॉर अ फोन, आई आस्क फॉर अ कंप्लीट पैकेज, अ गुड कैमरा, अ गुड बैटरी व्हिच कैन लास्ट ओवर अ डे, की बैटरी लाइफ अच्छी हो एंड कैमरा क्वालिटी अच्छी हो। फर्स्ट, बेटर कैमरा क्वालिटी विद बेटर बैटरी लाइफ। फर्स्ट थिंग इज कैमरा क्वालिटी एंड द सेकंड थिंग इज स्टोरेज, स्टोरेज शुड बी हाई। उसका प्रोसेसर मेरा बढ़िया हो, गेमिंग के लिए फोन बढ़िया हो, मेन कैमरा सबसे बेस्ट होना चाहिए फोन का, प्लस बैटरी लाइफ बढ़िया हो, प्रोसेसर और कैमरा ही अच्छा आना चाहिए, बेस्ट कैमरा क्वालिटी मिल सके, उसका रैम अच्छा हो, सो दैट इन केस गेमिंग कर रहा है कोई तो उसको इशू ना हो, हीट अप ना हो जल्दी, चार्जिंग जल्दी हो जाए, उसकी लॉन्ग बैटरी हो और फिर कैमरा क्वालिटी अच्छा हो ताकि हम फोटोज अगर अच्छे खींच सके। तो आपने सैमसंग की गैलेक्सी एफ सीरीज के बारे में सुना, जो कि हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुआ? या मतलब आई आई नो, मैंने पोस्ट पर देखा जाए तो हाँ, आपने सुना? हाँ जी बिल्कुल सुना, सुना था कि हाँ एक सैमसंग नई सीरीज निकाली है एफ सीरीज नाम। हाँ जी, एड मैंने देखा उसके, ये था कि हाँ लॉन्च हुई है लेकिन कौन सी सीरीज नहीं पता डिटेल में। ये रहा सैमसंग गैलेक्सी F41 जो कि अभी भारतीय बाजार में पेश किया गया है, सैमसंग एफ सीरीज का फर्स्ट स्मार्टफोन है ये। Okay. इसकी लुक्स देखिए आप और इसका ये होलोग्राफिक इफेक्ट देखिए, क्या कहना है इसकी लुक्स के बारे में आपका? सो इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, सो यहाँ पे आपने एक ब्राइट लुक दिया हुआ है, एक डार्क मिला रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लाइक लाइट वेट है एंड द ग्रेडियंट इज नाइस, लाइक कलर इज वेरी नाइस, 3 कैमरास एंड द फ्लैश लाइट एंड 64 मेगापिक्सल ऑफ कोर्स। It's sleek and it's easy to hold. Like fingerprint scanner bhi ek app position pe hai, so it's good to use. It's nice. I like the color combination like blue and black. Nice. अच्छा लग रहा है phone. आप अच्छा color है. It's very elegant. Unique है. तो मैं आपको इसके features के बारे में बताता हूँ. इसमें आपको 6.4 inch का Infinity U Super AMOLED display मिलता है. 6000 mAh की battery दी गई है और 64 megapixel का rear camera है. तो क्या इस phone खरीदना चाहेंगे आप? हाँ, of course. आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर मिल जाता है, वो है सिंगल टेक। सिंगल टेक में आप एक टेक में 10 अलग अलग सिनेरियो कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। तो चलिए एक बार सिंगल टेक फीचर का डेमो देख लेते हैं। तो अब हमने सिंगल टेक का डेमो देख लिया, कैसा लगा ये फीचर आपको? इट्स वेरी गुड, आप एक ही बारी में कई सारे फोटोज कैप्चर कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट एंड कई मतलब बहुत सारी वैरायटी है, एक ही टेक में आप काफी सारी फोटोज ले सकते हैं, 10 तरह की फोटोज आती है उसमें, स्लो मोशन भी आती है, कलरफुल भी आती है, ब्लैक एंड व्हाइट भी आती है। इट्स नाइस, फीचर भी अच्छा है, फोन तो है ही अच्छा, फीचर काफी अच्छा है ये, बिकॉज एक ही बार मुझे अगर क्लिक करना पड़ रहा है उसमें मल्टीपल फोटोज ले सकता हूँ। अमेजिंग, लिटरली अमेजिंग, बूमरैंग भी है, ब्लैक एंड व्हाइट में आ रहा है, कितना कुछ आता है इसमें, बहुत बढ़िया फीचर है और बार बार टेक नहीं लेने पड़ते, एक ही टेक में सारा काम हो जाता है। अच्छा लगा सर, 10 फोटोज एक साथ आ गए तो यू कैन चूज इजी कि कौन से फोटोज कौन से अच्छे हैं। अच्छा, क्या एक्सपेक्ट करें, क्या प्राइस रेंज होगा इसका? अराउंड 25 के आसपास तो होगा, 25 27 के आसपास, 25 28 something 30 तक।
30 more than 20. इसकी कीमत है 16,999 रुपए. Really? Unexpected. Wow. Seriously? बहुत ज़्यादा अच्छा प्राइस रखा है कंपनी ने इसका, जिस हिसाब से फीचर्स डाले हैं. Nice. 16,000 में. Seriously? हाँ. इस प्राइस रेंज में अगर ये फोन मिल रहा है, अवेलेबल है, तो उसे बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा फोन है और सब लेना भी चाहेंगे ऑब्वियसली इतनी कम रेंज में. लो बजट में भी, बजट में फिट भी आता है और फोन में फीचर्स भी बहुत बढ़िया है. विद इन 16,000-18,000 अगर ऐसा कुछ मिलता है, इट्स वेरी वेरी नाइस कॉम्प्लीमेंट. मैं आपसे पूछना हूँ कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो इस फेस्टिव सीजन के दौरान क्या आप अपने किसी नज़दीकी को ये फ़ोन गिफ्ट करना चाहेंगे? ज़रूर, मम्मी को गिफ्ट कर देंगे क्योंकि काफ़ी हेल्प करता है वो लोग. 16,000 के रेंज में भी अच्छा फ़ोन है. हाँ डेफिनेटली, अगर बजट में है और सारे फीचर्स हैं तो डेफिनेटली मैं. दोस्त इसका बर्थडे आ रहा होगा, मैं इसको गिफ्ट कर दूंगा. तो दोस्तों ये थी कुछ यूजर्स की राय सैमसंग गैलेक्सी F41 को लेकर. लोग काफी एक्साइटेड हैं और जाहिर सी बात है आपका रिएक्शन भी ऐसा ही रहा होगा. अब तक आप सैमसंग गैलेक्सी F41 के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, पर फिर भी एक बार इसके स्पेसिफिकेशंस पर नजर डाल लेते हैं. सैमसंग गैलेक्सी F41 में आपको 6.4 इंच का सुपर एमोलेड इन्फिनिटी यू डिस्प्ले देखने को मिलेगा. कंपनी ने इसे 6000 mAh की बड़ी बैटरी अलॉन्ग विद 15 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ पेश किया है, यानी एक बार चार्ज करने में आप 2 दिन निकाल सकते हैं. कैमरे की बात करें तो 64 मेगापिक्सल के मेन सेंसर के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट सेंसर दिया गया है. इसके साथ आपको सिंगल टेक फीचर मिलता है, जहां जस्ट ऑन वन टैप यू कैन गेट अप टू 10 डिफरेंट फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग 7 फोटोज एंड 3 वीडियोस एंड देन पिक द वन यू लाइक द बेस्ट सो यू नेवर मिस अ मोमेंट. टॉकिंग अबाउट द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो इस फोन को एंड्रॉइड OS 10 के साथ पेश किया गया है, जहां आपको Samsung One UI की लेयरिंग देखने को मिलेगी. ये काफी इजी टू यूज है. कंपनी ने इसे Exynos प्रोसेसर के साथ पेश किया है एंड 2 वेरिएंट मिल जाते हैं, यानी 6GB RAM प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज एंड 6GB RAM विद 64GB इंटरनल मेमोरी. मेमोरी को आप 512GB तक बढ़ा सकते हैं. इंडियन मार्केट में ये फोन 3 कलर्स में अवेलेबल है, फ्यूजन ग्रीन, फ्यूजन ब्लू और फ्यूजन ब्लैक. आई एम श्योर कि इतने फीचर्स जानने के बाद अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये फोन लॉन्च कब होगा और इसकी कीमत कितनी है. तो आपको बता दूं कि कंपनी ने फेस्टिव सीजन के चलते इस फोन को 8 अक्टूबर को इंडिया में पेश कर दिया है और इसका प्राइस भी काफी अट्रैक्टिव है. इसके 64GB के लिए आपको 16,999 रुपए खर्चने होंगे, जबकि इसका 128GB वेरियंट 17,999 रुपए में उपलब्ध हो चुका है और आप इसको फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं. वैसे तो यूजर्स ने इस फोन को लेकर अपनी राय दे दी है, पर अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फेस्टिव सीजन में होने वाली शॉपिंग के दौरान क्या आप इस फोन को खरीदेंगे. प्लीज अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और हमेशा की तरह ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ.